नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की और सबसे पहले खबर आपको दिखा देते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और उधमपुर में किस तरह से चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां कल शुक्रवार को उधमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। उनके दौरे के मद्देनजर उधमपुर स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों को संबोधित कर उनसे भाजपा के उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान करेंगे। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और इस वक्त हम आपको कल जो है वो एक महारैली माननीय प्रधानमंत्री करीब 9 बजे यहाँ मोदी ग्राउंड में पहुंचेंगे। लेकिन अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो तैयारियां पूरी तरह से जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें जो है वो मोदी ग्राउंड से बाहर से दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो पंडाल है, पंडाल जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार कर लिया गया है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के भी जो है वो कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो हमारे जवान, जो जे एंड के पुलिस की मैं बात करूं या सीआरपीएफ की मैं बात करूं, तो अलग अलग जो फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि लोकसभा चुनाव की ये पहली महारैली जो है वो उधमपुर के साथ लगते मोदी ग्राउंड में होने वाली है। जिस तरह से ये अड़कलें लगाई जा रही थी कब माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन जो कल हमने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जब हमने उनसे बात की, उनकी तरफ से ये स्पष्ट कहा कि कल 9 बजे के करीब जो है वो माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कल 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो है माननीय प्रधानमंत्री को जो है वो सुनने के लिए आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से राजनीतिक दलों की मैं बात करूं तो कांग्रेस से चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो तीसरी बार जो भाजपा से डॉक्टर जितेंद्र केंद्रीय मंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर है और खुद जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो कल उधमपुर के साथ लगते मोदी ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। और अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो पूरी तरह से देखिए शाबनी में तब्दील जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर लिया गया है। जिस तरह से हमने देखा कि नाशरी से लेकर टिकरी तक की मैं बात करूं तो यहां पे हर जगह पे जो हमारे पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कल ये जो रैली है, महारैली जो अहम रैली रहने वाली है, जिस तरह से कल आदित्य जोगीनाथ जो कठुआ के अंदर पहुंचे थे और आज बैक टू बैक जो रैलियाँ हैं, कल करीब 9 बजे यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजनीतिक दलों की मैं बात करूं तो इन चंद दिनों के अंदर कांग्रेस से भी कोई बड़ा उम्मीदवार, स्टार प्रचारक जो है वो उधमपुर के अंदर आ सकता है। लेकिन ये कल की एक महारैली जो मोदी ग्राउंड में होने वाली है, अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हर जगह पे आपको जो है वो मोदी ग्राउंड में जो सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। हर आने वाले जाने वाले की जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रॉपर से चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। ये वो मोदी ग्राउंड है, यहाँ से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कश्मीर से लोग हैं या जम्मू से कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं यहाँ जो लोग जाएंगे। लेकिन ये कल जब ट्रैफिक के बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जाम की स्थिति भी बनी रहती है, लेकिन जो कल कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचेंगे उनके लिए अलग से जो है वो पार्किंग यहाँ पे इस इलाके के अंदर बनाई है ताकि किसी प्रकार की है जो है लोगों को ट्रैफिक में चलने की दिक्कत ना हो। लेकिन अगर तैयारियों की मैं बात करूँ तो पूरी तरह से जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई। तो लोकसभा चुनावों में जम्मू रियासी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला जोर शोर से अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। रमन भल्ला ने अपने समर्थकों के साथ आज अखनूर में रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। और इसके बाद घर मीटिंगा भी कर रही हैं और बूथा भी पहुंचाना सारे थोड़ा बहुत। बारामूला पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त कार्रवाई में लश्कर तैयबा के 3 मददगारों को धर दबोच लिया है। इन तीनों से गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद यहां पर की गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपत्तिजनक सामग्री है वो भी बरामद हुई है। दरअसल बारामूला पुलिस को अपने सूत्रों से खबर मिली थी कि बारामूला बाजार में लश्कर तैयबा से 3 आतंकी यहां पर जो संदिग्ध आतंकी हैं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। उससे पहले ही पूरी तरह आप देखिए किस तरह पुलिस ने सुरक्षा बलों की मदद के साथ एक
ऑपरेशन चलाकर तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान ओवेस अहमद वाजा, वासिद फयाज कल्लू और फहीम अहमद मीर के रूप में की गई है और ये तीनों बारामूला के ही रहने वाले हैं। इन तीनों से पुलिस ने तीन हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो पवित्र चैत्र नवरात्रों के तीसरे दिन आज माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की आराधना की जा रही है। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। श्रद्धालु मां चंद्र घंटा के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जम्मू में बाहूफोर्ट स्थित मां काली माता के मंदिर में भी आना जाना लगा हुआ है और शीश नवाकर यहां धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय श्रद्धालु दे रहे हैं। जी, हर साल हम लोग नवरात्रि में प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर माता रानी के दरबार में लंगर लगाते हैं, क्योंकि नवरात्रि का पर्व खुद में ही बहुत एक पावन पर्व है। और इसमें जबकि नवरात्रि में यहाँ पर अक्सर बहुत भीड़ रहती है, वैसे तो बाबा माता हमारे वैसे ही बहुत भीड़ रहती है भक्तों की, बट नवरात्रि के टाइम पे लोग ज्यादा आते हैं। तो ये हमारी श्रद्धा थी कि हमारी तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भक्तों के लिए। जम्मू वासी तो आते हैं, उसके अलावा भी आप यहाँ पे देखें तो अब जम्मू भारत की काफ़ी स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल मैं यूपी, बिहार और दिल्ली के काफ़ी लोगों से मेरी अभी मुलाकात हुई। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो भी अंदर आ रहा है उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। उसके अलावा भी जो यहाँ पे भी अरेंजमेंट्स हैं, खाने का सामान रखने का तरीका और सफाई वगैरह हाइजीन, उसकी भी पूरा प्रबंध है उसका। जी, आना चाहिए, जो लोग पहुँच सकते हैं जिनके लिए फिजिकली पॉसिबल है वो लोग आए, और जो नहीं आ सकते बूढ़े बुजुर्ग हमारे या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो माता रानी तो हम सबके दिलों में। आज चंद्रघंटा नवरात्र तृतीय है, माँ बाबे वाली आज सब भक्तों का कल्याण करे, आज सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। शूरवीरता की प्रतीक दुर्गा माँ चंद्रघंटा तीसरे रूप में माता दुर्गा के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप को ध्यान में रखकर संसार में रहते हुए जहाँ सभी सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं परलोक में भी सुख मिलता है। इनके मस्तिष्क पर घंटे के आधार पर आधा चंद्रमा प्रतीक होता है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा कहलाया। आज के दिन तीन कन्याओं का पूजन करना चाहिए और माँ चंद्र घंटा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस लोक और परलोक में मुक्ति प्रदान हो, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। माँ बाबे वाली आज सब भक्तों का कल्याण करें, आज सब भक्तों की। तो मौजूदा समय में जारी पवित्र चैत्र नवरात्रों में फूलों सहित व्रत के सामान की कीमतों में बहुत ही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में शिवसेना डोकरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। और फ्रंट ने आरोप लगाया कि नवरात्रों की आड़ में फूलों के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी कीमती होती गई है और कीमतों में जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है, इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है। महंगे फूल बेचने वालों को गिरफ्तार, महंगे फूल बेचने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार महंगे फूल बेचने वालों को करो। और जो जो चीजें नवरात्रों के अंदर प्रयोग होती हैं उनके दाम आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। अरे भाई, नवरात्रों का त्यौहार परम सीमा पर है और हजारों की लाखों की संख्या के अंदर लोग व्रत रखते हैं, लेकिन दाम पर कोई कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करने का प्रयास करना चाहता हूं, जो लोग ब्लैक मार्केट पीछे से पहले दाम चेक करो दिल्ली से क्या आ रहा है, पर यहां वाले क्या भाव बेच रहे हैं उसको चेक करने का प्रयास करो। जल्द से जल्द कार्रवाई करो, अन्यथा सीधी कार्रवाई। और मीट की दुकानें कॉरपोरेशन ने पास करा था, मीट की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन परेड ग्राउंड के अंदर मैंने देखा है कि सुबह सुबह आया वहाँ मीट की दुकानें खुली हुई है। क्या बाकी शहर के अंदर भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं? श्रीमान कमिश्नर महोदय से मैंने बात करी है, उसने मुझे एश्योरेंस करा है कि मैं बंद करवाऊँगा। अभी चौथा नवरात्रा आ गया, ये जो गुंडागर्दी छाई हुई है इसको बंद।
तो खालसा पंथ के ही 325वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पुंछ में आज भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी और जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित एक नगर कीर्तन पुंछ के ही गुरुद्वारा महंत साहिब से शुरू होकर डेरा नगाली साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ है। इस नगर कीर्तन में सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी भाग लेकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। डेरा नगाली साहिब में या बैसाखी के अवसर पर खालसा पंथ का 325वां विसर्जन दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और गौरतलब की यहां आप देखिए बात है कि पुंछ जिले के गांव नगाली स्थित डेरा संतपुरा नगाली साहिब सिख समुदाय का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है और इसकी स्थापना खालसा पंथ की ही स्थापना के साथ ही की गई थी। और यहां पर हर वर्ष बैसाखी का मेला धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी राज्यों और विदेशों से भी बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आप जी देख रहे हो बिना मजहब मिलत हर व्यक्ति ये शामिल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा, DDC पुंछ, SSP पुंछ, DR, DSP, DR, DSP जो देने सारे ही SHO साहब, सारी टीम जिहड़ी है, मैं कहांगा कि एडमिनिस्ट्रेशन दी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन, बहुत वड्डा सहयोग रहा है और बड़े अच्छे ढंग दे नाल नगर कीर्तन निकल रहा है, जिहदे विच बिना मजहब मिलत हर व्यक्ति शामिल हो रहा है। और ये नगर कीर्तन डेरा संतपुरा नगाली साहब जाके इसकी समाप्ति होगी। तो सारिया संगतां आप जी देख रहे हो कि बड़े ही उत्साह दे नाल, बड़े प्यार दे नाल ओ गुरु नानक पातशाह दी बाणी दा गायन करदे होए चल रहे ने, सारे वाहगुरु का जाप करते हुए चल रहे हैं। तो मैं इतने की एडमिनिस्ट्रेशन, इतने की समूह संगत का, इतने के मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जो कई दिनों तो साढ़े नाल इस प्रोग्राम की कवरेज करके संगत तक पहुँचा रहे हैं। मैं एक बार फिर समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। आज पुंछ जिले के लिए बड़ा हर्ष का विषय था कि खालसा पंथ की स्थापना के 325 वर्षों के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा मान साहब जी से एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई और जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने जो है बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जगह जगह पर जो है उस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। पुंछ के समस्त सनातनी समाज की तरफ से यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर जो है एक भव्यता से कुछ प्रसाद के स्टाल लगाए गए और मान साहब जी को एक चित्र और सरोपा भेंट करके उनका स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का एक भव्य ढंग से स्वागत हुआ और इस उपलक्ष्य पर में जहां एक और समस्त सनातनी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से खालसा पंथ की स्थापना के 325 वर्ष गांठ हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई, इसी के साथ मेरा समाज के साथ सामने एक निवेदन रहेगा कि आगामी आने वाले उत्सव में भी हम इसी तरह बढ़ चढ़ करके सभी कार्यक्रमों में भाग लें ताकि सनातन और समाज की उन्नति हो सके, राष्ट्र और समाज जो है वो उन्नति की दिशा पर। तो पुंछ में चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी खुली चुनौती बन चुके हैं। पुंछ नगर में यहां चोरी का ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला कामा खान में सामने आया है। चोरों ने यहां पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े एक मकान में सेंधमारी की है और वहां से बिजली के उपकरणों सहित अन्य सामान ले गए हैं। तो इस मकान में रहने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से जम्मू में थे और वापस लौटने पर मकान के हालात देखकर उनके होश उड़ गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन बाद सात ग्रह मकान उतो वापस आया, इसे देखिए अंदर चोरी हुई है, जिस स्टेपलाइजर ने वायर कट लिए, इन्वर्टर कट लिए, उसके बाद एक पंखा कट लिए, दूसरा एक स्टेपलाइजर फ्रिज ना वो ले गया, ताला सारा गेट बंद है, गेट का ताला खोलिया तो अंदर सारा कुछ टूटा भजया, सब समान जो लुट के लै गए, सब बैरान करके सब पक्खे छड़े, सब जितना भी समान है इसलिए समान चेक नहीं किया, जितना भी सब समान कीमती सारा ले गए। मैं उम्र सीधा बंदा बहादुर बंदा, मेरा इतना नुकसान आया, बड़ा मेहरबानी करके मेरे भाई। हम इस इलेक्शन को बाइकॉट करें और हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे।
क्योंकि जो भी सरकारें रही 70 सालों में, उन्होंने हमारे बच्चों का हक हमसे छीना है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे क्षत्रियों में जाते हैं, क्योंकि 544 जो हमारे क्षत्रिय जिले थे उनसे हमारा हिंदुस्तान बना था। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी जितनी भी रियासतें हमसे ली गई वो रियासतें हमें वापस दी जाएं, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम बाईगार्ड करते हैं आपकी इलेक्शन को। आगे का फंडा हमारा राजपूतों का क्या होगा वो अगली मीटिंग में। आज हमारा तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने यहाँ जेपीडीसीएल पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने जेपीडीसीएल पर लोगों को तंग करने का आरोप लगा दिया कि यहाँ पर तंग किया जा रहा है। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जेपीडीसीएल से ही बिजली के बकायादार उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त आसान किश्तों में भुगतान की राहत देने की मांग कर दी है। और इसके साथ ही यहाँ मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपार जल संसाधनों का धनी है, जहां बिजली परियोजनाओं से हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, और जम्मू कश्मीर की जनता तो यहां निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है। बिजली के कनेक्शन जो है वो काट दिए जाते हैं उसकी कहीं पर। प्रशासन और बिजली विभाग के विशेष तौर पर तानाशाही रवैये के खिलाफ है। आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बिजली विभाग का तानाशाही रवैया इतना बढ़ गया है कि मात्र एक दो दिन की बिजली के बिलों में देरी होने पर भी और बकाया राशि ना जमा करवाने पर लोगों के बिजली के बिल, अपने उपभोक्ताओं के बिजली के बिल काट दिए जाते हैं। आज हमारी प्रशासन से जो है ये मांग है, सबसे पहले तो हमारी मांग है, हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर की जनता निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है। अगर आप हमें अपना हक नहीं दे सकते तो कम से कम राहत दीजिए। जितने लोगों की बकाया राशि है, जितने लोगों की बकाया राशि 10,000 से ऊपर है, उसको ब्याज मुक्त किश्तों के अंदर जो है भुगतान करने की राहत दी जानी चाहिए। और ये जो बिजली काटने का आपने जो है तानाशाही रवैया अपनाया है, इस पर जो है जल्द से जल्द पूर्ण विराम लगाया। तो पशुओं का बीमा ना होने से जम्मू के मढ़ ब्लॉक के पशुपालक परेशान हैं। पशुपालकों के मुताबिक बीमा ना होने के कारण उनके पशु की मर जाने का भी उन्हें काफी, आप देखिए किस तरह से चिंता बनी रहती है, नुकसान उसकी वजह से उठाना पड़ता है और भारी आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। तो पशुपालकों ने सरकार से जल्द उनके पशुओं के लिए बीमा योजना शुरू करने की मांग कर दी। बड़ी गवां रखी हैं, कोई काफी फायदा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। ग्राएं देखो बैंक इंश्योरेंस दे देने, उन्हें सब कुछ देने, कोई सूट दे से कोई सूट नहीं है, अजें कोई सूट नहीं मिलती है। गवां कई एक दो मरी गई, अस्पताल बड़े चक्कर लाए, कक्ष नहीं लगा, कोई हाँ फार्म बंद न, फार्म होने फिर देगे, अजय फार्म नहीं आए। लगता कि जी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इला बंद है, ओरी वजह ने गरीब लोगों की जी सहूलत है वो नहीं मिला करती। क्या कहना चाहोगे, खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए इला कोई गरीब ने भी आनी, उन्हें गवां रखी जानी, कोई भी गवां मरा ही, कोई कि नुकसान हुआ, उन्हें पैसा लभना चाहिए, स्कीम लभनी चाहिए, स्कीम खुलनी चाहिए, स्कीम बंद की गवर्नमेंट ने। ने जो गाय रखी है गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंश्योरेंस मिलता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता। कल को अगर हमारी गाय को कुछ हो जाता है या कुछ भी तो इसका बेनिफिट हमें मिलता ही नहीं है। जैसे हमने अब 70,000 की गाय रखी हुई है, जहाँ कल को ऐसे कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट तो हमें कुछ देती नहीं है, इसका हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर गाय को कुछ भी हो जाता है हमें तो इतना भारी नुकसान होता है कि हम बोल भी नहीं सकते कि हमें कितना इसका वो नुकसान हो जाता है, ना हमें पैसे मिलते हैं, ना कुछ इंश्योरेंस कुछ भी। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।